कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। झारखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अब देश में मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया हो गया है। देखिए, जहां भी आप देखो, देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो, मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि गांधी खानदान के सदस्य ने कहा है कि महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। देश में हर कोई बलात्कारी नहीं है, जो बलात्कारी है उसे कानून सजा देता है। हर महिला को कलंकित नहीं किया जा सकता है, इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूछ लीजिए अध्यक्ष जी, अगर आह्वान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आज मैं अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहती हूँ। देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, क्या आप उसको दंडित करेंगे? आज मैं आपसे हम देश के परिवारों की ओर से अपील करती हूँ। देखिए, जहां भी आप देखो, देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो, मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया।